और आगे बढ़ते हैं, पुणे हिट एंड रन मामले में एक बड़ी अपडेट है जहां नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। पुणे हिट एंड रन मामले में ये बड़ी अपडेट जहां नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दी है। तो पोर्श एक्सीडेंट केस में अब नाबालिग को जमानत मिल गई है। नाबालिग आरोपी को जमानत मिल चुकी है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इस केस के बाद से भी हमने देखा कि जो नाबालिग के परिजन हैं उन तक भी गाज गिरी इस पूरे मामले की, और अब आरोपी को जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। पुणे हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है, जहां पॉर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग को फिलहाल के लिए राहत मिली है, जमानत मिल गई है। पुणे हिट एंड रन मामले में ये एक महत्वपूर्ण अपडेट, इसको लेकर लगातार बहस छिड़ी कि किस तरीके से एक्सीडेंट किया गया और फिर बचने की कोशिश की गई, परिवार के लोगों तक गाज गिरी, और अब नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। पुणे हिट एंड रन मामले में जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है, जहां इस केस की सुर्खियों में आने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो तेज हुई और कैसे एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए, किस तरीके से ड्राइवर पर पूरा ठीकरा मढ़ने की कोशिश की गई और उसको किस तरीके से गिरफ्त में रखा गया। बड़ा चौंकाने वाला ये मामला सामने आया था। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इस पूरे मामले से बचने की कोशिश जो है नाबालिग की तरफ से और उसके परिजनों की तरफ से हुई थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को इस पूरे मामले में जमानत दे दी है। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं पुणे हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई। पॉर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग को फिलहाल के लिए जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। तो बड़े शातिराना अंदाज में ये पूरा केस सामने आया था, जैसे नाबालिग के हाथ से एक्सीडेंट होता है और उसके बाद ड्राइवर को किस तरीके से इस पूरे केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है, बिना गलती के फंसाने की कोशिश की जाती है, और फिर कैसे एक के बाद एक राज खुलता चला जाता है और उसके बाद नाबालिग को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसके बाद अब फिलहाल के लिए नाबालिग आरोपी को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। नितेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है, इसको थोड़ा फैसले को थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा इस पूरे मामले की शुरुआत हुई जब याचिकाकर्ता जो नाबालिग आरोपी था उसकी चाची की तरफ से जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जमानत को लेकर के, और प्रशांत पाटिल जो पचास पक्ष के वकील थे उनके तरफ उन्होंने समझाया इस पूरे केस को, मीडिया से मुखातिब हुए। उनका कहना था कि जिस ग्राउंड पे बेल दिए गए थे वो दरअसल जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड की तरफ से जो पहले बेल दे दिया गया था जिस दिन घटना हुई थी, उसके बाद जो सोशल क्राय और एक सोशल आउटरीच के चलते पुलिस के ऊपर प्रेशर बना, जिसके बाद रिमांड। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम।